हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमेशन फीवर के एक नए वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम एक पिवोट टेबल को डिलीट करना सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम एक सिंगल पिवोट टेबल को डिलीट करना सीखेंगे, उसके बाद एक सीट में अवेलेबल सारे पिवोट टेबल डिलीट करेंगे और सबसे लास्ट में हम एक एक्सेल की फाइल में जितनी भी पिवोट टेबल है उन सबको एक साथ कैसे डिलीट कर सकते हैं वो सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पिवोट टेबल को डिलीट करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले हमें देना होता है कि हमारी पिवोट टेबल कौन सी सीट में है, उसके बाद पिवोट टेबल का नाम क्या है। जैसे कि हमारी सीट 3 नाम की एक सीट है जिसमें ये एक पिवोट टेबल है, इसको डिलीट करना है। तो हम इसका नाम लेंगे कि पिवोट टेबल का नाम क्या है। उसके लिए जाएंगे हम पिवोट टेबल एनालाइज वाले टैब में। इसके अंदर पिवोट टेबल्स से हम इसका नाम कॉपी कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, सीट नेम देना है। तो सीट है हमारी सीट 3 नाम से, इसका डोमेन नेम है सीट 4। तो हम लिखेंगे सीट 4 डॉट पिवोट टेबल्स, यहाँ पर हम पिवोट टेबल का नाम दे देंगे। फिर देंगे हम टेबल रेंज 2 डॉट क्लियर। सिर्फ इतना लिखना है, इस एक लाइन के कोड को यूज करके हम किसी स्पेसिफिक पिवोट टेबल को डिलीट कर सकते हैं। चलिए जो हमारा वीबी एडिटर है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अब इस मैक्रो को रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने मैक्रो रन किया, आपने देखा हमारी पिवोट टेबल 5 थी, सीट 3 से डिलीट हो गई है। सो एक पिवोट टेबल आपको डिलीट करनी है तो सिर्फ उसका नाम देना है, डॉट टेबल रेंज 2 डॉट क्लियर आपको लिखना है। पर मान लीजिए एक सिंगल सीट में बहुत सारी पिवोट टेबल है, आपको सारी डिलीट करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा वो सीखते हैं। अगर आप किसी सीट में अवेलेबल सारी पिवोट टेबल को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक लूप लगाना होगा जिसमें हम एक एक करके पिवोट टेबल गेट करेंगे और डिलीट करते जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारी जो सीट 3 है इसमें कुछ पिवोट टेबल्स हैं, इनको हमें एक साथ डिलीट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं पीवीटी, टीबीएल नाम से पिवोट टेबल टाइप का, और फिर हम लगाते हैं फॉर ईच लूप। वेरिएबल है हमारा पीवीटी टेबल इन। इसके बाद हमें देनी है वो सीट कौन सी है जिसमें पिवोट टेबल्स हैं। सो हमारी वो सीट है सीट 3, इसका डोमेन नेम है सीट 4। तो हम लिखेंगे सीट 4 डॉट पिवोट टेबल्स। फॉर ईच लूप को बंद कर देंगे नेक्स्ट, और वेरिएबल का नाम क्या है पीवीटी टीबीएल लिखकर। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, सीट से एक स्पेसिफिक पिवोट टेबल गेट कर रहे थे सीट 4 डॉट पिवोट टेबल्स में पिवोट टेबल का नाम लिखकर। यहाँ पर हमको क्या करना है, उस वेरिएबल का नाम देना है जिसमें हम पिवोट टेबल गेट कर रहे हैं। तो कोड कैसे काम करेगा, ये जो सीट 4 डॉट पिवोट टेबल्स है ये हमें सीट 4 में अवेलेबल, सीट 4 जो डोमेन नेम है सीट 3 का है, तो सीट 3 में जितनी भी पिवोट टेबल्स है वो एक कलेक्शन में रिटर्न करेगा। फिर उस कलेक्शन से फॉर ईच की मदद से एक एक पिवोट टेबल्स का रेफरेंस इस PVT TBL नाम के वेरिएबल में आएगा और लूप के अंदर हम क्या करेंगे, उस पिवोट टेबल को डिलीट कर देंगे। ऑल राइट, सेव करें, एक्सेल की सीट पे जाएं। तो अभी हमारे पास सीट 3 में 2 पिवोट टेबल है। हम कोड को रन करें और अब एक्सेल की सीट में जाके देखें तो दोनों पिवोट टेबल डिलीट हो गई है। 2 की जगह यहाँ पर अगर 10 या 100 भी पिवोट टेबल होती तो सीट 3 से सारी एक साथ इस तरह डिलीट हो जाती। एक सिंगल सीट में अवेलेबल सारी पिवोट टेबल को डिलीट करना हमने सीख लिया। अब सीखते हैं एक वर्कबुक में जितनी भी पिवोट टेबल्स हैं उनको एक साथ अगर डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं sh नेम से वर्कशीट या सीट टाइप का। फिर क्या करते हैं, एक आउटर लूप लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फॉर ईच sh इन। अब वो कौन सी वर्कबुक है
जिससे हमें पिवोट टेबल्स क्रिएट करनी है वो है हमारी यही, जिसमें हम कोड लिख रहे हैं, तो उसको हम गेट कर सकते हैं दिस वर्कबुक डॉट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे वर्कशीट्स। दिस वर्कबुक डॉट वर्कशीट्स एक कलेक्शन रिटर्न करेगा हमारी ये जो डिलीट पिवोट टेबल्स वाली वर्कबुक है, इसमें जितनी भी टेबल्स है उनकी सीट के रेफरेंस का। अब इसको यहाँ पर हम आउटर लूप को बंद कर देते हैं नेक्स्ट वेरिएबल का नेम लिखकर। ऑलराइट, अब एक काम और हमें करना है, यहाँ पर हम एक सीट मतलब स्पेसिफिक सीट का डोमेन नेम दे दे रहे थे जिससे हमें पिवोट टेबल्स डिलीट करनी है, उसकी जगह हम इस एसएच वेरिएबल को दे देंगे। अब कोड कैसे काम करेगा, बहुत सिंपल है। आउटर लूप से जितनी भी एक्सेल की इस वर्कबुक की सीट है एक एक का रेफरेंस एसएच में आता रहेगा, और फिर इनर लूप में क्या होगा, उस सीट में जितनी भी पिवोट टेबल होगी डिलीट हो जाएगी, इसी तरह दूसरी तीसरी और जितनी भी सीट है उसमें जितनी भी पिवोट टेबल है सारी एक साथ डिलीट हो जाएगी। सेव करें, कोड को रन करें, एक्सेल की फाइल में देखें तो आप पाएंगे जितनी भी पिवोट टेबल इस एक्सेल की फाइल में थी सारी हमारी डिलीट हो चुकी है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, बाय।